चंबा के दो दिवसीय दौर पर आए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज दूसरे दिन डलहौजी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले बनीखेत में पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री का कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागतम किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पद्दर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता के साथ मंडल मिलन बैठक की। बैठक में पार्टी से जुड़े कार्यों को लेकर विस्तृत चर्चा की तथा आगामी चुनावों को लेकर भी रणनीति बनाई, जिसके मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार युवाओं को देश की सेवा एवं युवाओं के उत्थान हेतु ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण गत दो वर्ष में सेना में भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई थी। इसके मद्देनजर रखते प्रधानमंत्री जी ने अग्निपथ योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री जी अब अग्निपथ योजना के अंतर्गत युवाओं को राहत हेतु अब पहले वर्ष आयु सीमा में दो वर्ष की रियायत देकर उसे 21 साल से 23 साल करने का सराहनीय फैसला किया है। इस निर्णय से जहां देश के युवा लाभान्वित होंगे, वहीं अग्निपथ योजना के माध्यम से देश सेवा व अपने उज्जवल भविष्य की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है और युवाओं को भ्रम में रखने का काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल टॉप न्यूज। इस प्रकार से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अभी योजना की अनाउंसमेंट हुई है और उसका कॉन्सेप्ट जो है देश के समक्ष रखा गया है, और इस योजना से बहुत सारे नौजवानों की एक इच्छा पूरी होगी, जिनको देश सेवा में काम करने की लगन है, देशभक्ति के भाव के साथ नौजवानों को जोड़ना इस योजना का एक प्रमुख बिंदु है। और यही नहीं, उसके साथ साथ में रोजगार की भी बहुत बड़ी संभावना इसमें नौजवानों को उपलब्ध होंगी। 4 साल के बाद फिर से 25% से जो लोग आगे बढ़कर के आर्मी में ही सेवा करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उसके लिए वो भी एक ऑप्शन है। लेकिन दूसरी ऑप्शन उसमें साथ में ये भी जोड़ी है कि भाई जब वापिस आएंगे, ग्रेजुटी उनको मिलेगी और सारे बहुत सारे बेनिफिट्स भी साथ में मिलेंगे, और रोजगार की संभावनाएं बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट में वो उपलब्ध होंगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये सोचने की आवश्यकता है कि एकदम इसका विरोध करना उचित नहीं, और इसका अध्ययन कर लें, इसको समझ लें, और उसके बाद फिर आगे बढ़ करके जो नरेंद्र मोदी जी ने एक कॉन्सेप्ट पूरे देश के सामने रखा, देश के नौजवानों के सामने रखा है, जिसको लेकर के विपक्ष के लोग थोड़ा सा ये अनावश्यक रूप से राजनीति कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। राजनीति से इसको अलग रखना चाहिए।